गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज लेख शेखर शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द सेल, कोशिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हम सब कुछ देखेंगे, सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की हिस्ट्री, सेल की थ्योरी, सेल की स्ट्रक्चर, उसकी मेम्ब्रेन, उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं सबका हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है द सेल, कोशिका। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार कोई स्मॉल या बिग हाउस न्यूमेरस ब्रिक यानी कि ईंटों व स्टोन्स यानी कि पत्थरों से बना होता है, उसी प्रकार एवरी ऑर्गेनिज्म भी वन और मैनी यूनिट से बना होता है। जिस प्रकार कोई छोटा सा या कोई बड़ा सा घर असंख्य ईंटों या पत्थरों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो वन और मैनी यूनिट्स, एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को साइंस की लैंग्वेज में सेल कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक जो यूनिट है, जो इकाई है, उसी को विज्ञान की भाषा में सेल कहते हैं, कोशिका के नाम से उसे जाना जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चर कौन बना रही है, सेल बना रही है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, फंक्शनल यूनिट का मतलब है जितनी भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है, वो सारी की सारी कहाँ होती है, सारी की सारी होती है सेल्स के अंदर। आप रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं तो ये है रेस्पिरेशन, लेकिन बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन नाक से फेफड़ों में तो जा ही रही है, साथ ही साथ हमारे ब्लड से हमारी सेल्स में भी जाती है। तो और सुनिए आगे, हम फूड का एजेप्शन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। कहाँ जाता है भोजन, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। जो हम फूड खाते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और एब्जॉर्ब होके फिर कहाँ जाता है, सेल में जाता है। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रिएक्शन कहाँ होती है, सेल्स में ही होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सेल्स हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, मतलब संरचना भी बना रही है, सही बात है ये तो बिल्कुल, और फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब कि श्वसन, पाचन आदि की आदि जो रिएक्शन है या जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ हो रही है, सेल्स के अंदर ही हो रही है। अब अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल के इतिहास के बारे में। ध्यानपूर्वक देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल के कार को माइक्रोस्कोप से देखा। आजकल तो बोतलों पर ढक्कन आने लग गए बच्चों, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बोतल पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ आता था। जो पुराने जमाने की बोतलें थी ना, आज से मैं थोड़े 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो लकड़ी के कार्क लगे हुए आते थे बोतलों के ऊपर। तो जब बोतल पर लगाए जाने वाले कार को रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से देखा तो कॉर्क में डेड सेल से निर्मित हनीकॉम्ब लाइक चैम्बर दिखाई दिए। तो इस कॉर्क के टुकड़े में क्या दिखाई दिए, मृत कोशिकाओं से बने हुए हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान कक्ष दिखाई दिए, जिन्हें क्या नाम दिया गया, जिन्हें सेल्यूली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सेल्यूली नाम दिया गया, और बाद में इन्हें ही सेल नेम दिया गया। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। अब देखिए सेकंड नंबर पर, सबसे पहले लिविंग सेल को
हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, इन्होंने 1674 में बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखकर इन्हें एनिमल क्यूल नाम दिया। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। देखो इन ये है ना, लेंस वगैरह की दुकान में काम किया करते थे, इनको लेंस बनाने आते थे, लेंस की इन्हें पूरी नॉलेज थी लेंस की। तो ये क्या करते थे, हर छोटी चीज़ को लेंस से देखने का इनको शौक था। ये बैक्टीरिया को, मतलब जो अपन बोल सकते हैं जो डर्टी जो वाटर है, जो प्रोटोजोवन है, ठीक है, यहाँ तक कि जो दांतों की जो मेल होती है उसको भी इन्होंने देखा, पसीने को भी देखा, और यहाँ तक कि जो स्पर्म होते हैं उनको भी इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, और इन सभी को क्या नाम दे दिया, एनिमल क्यूल नाम दे दिया। एनिमल क्यूल मतलब क्या होता है, जंतु सदस्य, मतलब जंतुओं के समान जीव, ठीक है। थर्ड नंबर पर देखिए, 1838 से 1839 में मैथियस स्लाइडेन, जो कि एक बोटेनिस्ट थे, वनस्पतिज्ञ थे, ये वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे ये, एंड थियोडोर स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, मतलब कि प्राणियों का अध्ययन करने वाले ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी दी थी। फोर्थ नंबर पर देखिए आप, 1855 में रुडोल्फ विर्चियो ने मॉडल सेल थ्योरी दी। क्या दी? मॉडर्न सेल थ्योरी दी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। और इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में इन्होंने बताया। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है कि एवरी सेल, जो प्रत्येक कोशिका है वो किसी ओल्ड सेल से ही बनी होती है, किसी पुरानी कोशिका से ही बनती है, तो प्रत्येक सेल किसी दूसरी सेल से ही बनती है, ये इन्होंने बताया था। अब फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं, 1870 के अंदर एफ मिस्टर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल को इन्होंने खोजा और इसे न्यूक्लीन नाम दिया। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बीएससी के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, सेल बायोलॉजी पेपर है आपके बीएससी जूलॉजी के अंदर, और बॉटनी के अंदर भी है, और अगर आप एमएससी कर रहे हैं आगे जाके जूलॉजी से तो उसके अंदर भी सेल बायोलॉजी है, 12th क्लास के अंदर भी आपके सेल बायोलॉजी है, नीट पीएमटी की तैयारी करोगे, डॉक्टर बनाओगे, वहाँ पर भी सेल बायोलॉजी है, कंपटीशन एग्जाम में भी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इनमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। सिक्स नंबर पर देखिए, 1883 में शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट वर्ड दिया। क्या दिया? हरित लवक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? शिम्पर ने दिया था 1883 के अंदर। 1898 में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया। 8 नंबर पर हम देखते हैं, 1953 से 1962 में जे डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने जो ये जे डी वाटसन है, तो यानी कि अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 1953 से 1962 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया। अरे आप छठी क्लास से लेकर बड़े पीएचडी तक भी करोगे ना, और वहाँ पर बुक्स में जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे वो यही वाला होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जे डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। और इस महान कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया, इन्हें अवार्डेड किया गया नोबल प्राइज के द्वारा, और 1962 में इन्हें क्या दिया गया, नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबल प्राइज इन्हें प्रदान किया गया। नाइन्थ नंबर का पॉइंट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, 1955 में 1955 में
पेलेडे ने, जॉर्ज पेलेडे ने एनिमल सेल में से राइबोसोम को सेपरेट किया था, राइबोसोम को इन्होंने अलग कर लिया था, और इस महान कार्य हेतु इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से अवार्डेड इन्हें किया गया। 10th नंबर पर आप देखिए, 1968 में आर एच होले एंड एच जी खुराना एंड एन डब्ल्यू निरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया, अनुवांशिक कूट के बारे में बताया, एंड टीआरएनए के बेस सीक्वेंस सार अनुक्रम की भी इन्होंने डिस्कवरी की, खोज की, और इस कार्य के लिए इन सभी को 1968 में नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है जो बहुत ज़्यादा महान कार्य करने पर ही दिया जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, जेनेटिक कोड क्या होता है? ये जेनेटिक कोड नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस से बनी ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करवाकर स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस करवाती है। अब अपन देख लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। 1938 में मैथियस स्लाइडेन ने प्लांट सेल की स्टडी करते हुए, एंड इनका जो दोस्त है एंड थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल की स्टडी करते हुए क्या दिया, यह कॉन्क्लूशन निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि टिश्यू का फॉर्मेशन सेल से ही होता है, चाहे टिश्यू प्लांट का हो, चाहे टिश्यू आर्थोपोडा का हो, चाहे टिश्यू सिलेंट्रेटा का हो, चाहे टिश्यू ह्यूमन का हो, चाहे वो काऊ का हो, चाहे बफेलो का हो, प्रत्येक टिश्यू, एवरी टिश्यू का फॉर्मेशन सेल से ही होता है, ये इन्होंने ही बताया था सबसे पहले। किसने बताया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था। किसने बताया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और क्या बताया? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे ही सेल थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? इसे ही सेल थ्योरी कहा गया। लेकिन इस सेल थ्योरी, ये बुरी तो नहीं थी, थी तो अच्छी, लेकिन इसमें कमी थी। क्या थी? इसमें थोड़ा मसाले वगैरह की कमी थी। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, 1885 में रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, मतलब कि वही वाली थ्योरी है, उसमें थोड़ा सा लहसुन प्याज का छोक लगा के बढ़िया और बढ़िया कर दिया इसको। अब देखिए आगे आप ध्यानपूर्वक, 1885 में रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। फर्स्ट नंबर पर आप देखिए क्या क्या पॉइंट बताए थे इन्होंने। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ये तो सही वाली बात है, वही वाली बात है जो किसने बताई थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने बताई थी कि कोशिका प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, न्यू सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रत्येक नई कोशिका का ओरिजन या निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, ये बात तो सही है। थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज टेक प्लेस इन सेल, क्या बताया? सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं का स्थान क्या होती है? कोशिकाएं ही होती है। सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिकाओं में ही होती है। ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, ये उपापचय क्रियाएं क्या है? देखो, बिग पार्टिकल का या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का सिंपल पार्टिकल में टूटना, और सिंपल पार्टिकल से वापस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का फॉर्मेशन होना, मतलब जटिल अणुओं से सरल अणुओं का बनना, और सरल अणुओं के जुड़ने से वापस जटिल अणुओं का निर्माण होने, क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के डाइजेशन से वो सिंपल पार्टिकल में टूट जाते हैं, फिर उसके बाद में ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और हमारी सेल्स में जाकर वापस फिर इनसे क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बन जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, इन द लिविंग बींग
हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू सेल। क्या बताया इन्होंने कि जो लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जो प्राणी हैं, उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं, वो कोशिकाओं के द्वारा ही वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाती है। मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंदर आए हैं, वो किस वजह से आए हैं, सेल के द्वारा ही आए हैं। किसके द्वारा आए हैं, सेल के द्वारा ही आए हैं। तो आई होप जो आज अपन ने द सेल के बारे में पढ़ा है, कोशिका के बारे में पढ़ा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे अच्छे से, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे, फिर उसके बाद में दोनों के अंदर क्या डिफरेंट पाया जाता है, इसकी अपन बारीकी से स्टडी करेंगे। सभी को टेक केयर।